उसके बाद आपका आएगा डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। अभी फर्नीचर का आपको डेप्रिशिएशन करना है, बरेगी ना। अभी कभी भी कुछ भी डेप्रिशिएशन निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कर रहा हूँ, वर्किंग नोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मेरा फर्नीचर कितना है, पहले मैंने उसको चेक करता हूँ फर्नीचर को। तो मेरा फर्नीचर है 20,000, तो मुझे 20,000 के ऊपर कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन निकालना है, 10%। तो कितना हो गया, ये हो गया 2,000, क्लियर। अब हम लोग पीछे जाएंगे, फिर जो फर्नीचर है वहां लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 2,000। तो आउटर कॉलम में आपका आएगा 18,000, कितना आएगा 18,000, क्लियर, ओके। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जो है 2,000 का, वो यहां पे आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 2,000, जिसको हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे। एक फर्नीचर में से माइनस होता है, फर्नीचर में से माइनस होगा, और सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, सेकेंड थर्ड एडजस्टमेंट खत्म। उसके बाद लिखा है प्रोवाइड फॉर बैड डेट रुपीज 1,200। तो यहां पे आपका सैंडर्ड डेटर्स में से लेस होगा, देखो लेस बैड डेट्स कितना प्रोवाइड करने के लिए बोला है 1,200, ओके। फर्दर बैड डेट, तो ये 1,200 आप क्या करोगे, वहां से माइनस करोगे, ओके 1,200, ठीक है। तो हम लोग ने 1,200 यहां से माइनस कर दिया, तो इसका आएगा 23,800, ठीक है। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, तो यहाँ पे बैड डेट्स के नीचे 1,200। तो यहाँ पे आरडीडी तो है नहीं, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,700, फिर ये ओल्ड आरडीडी भी नहीं है, तो आउटर कॉलम में आएगा 1,700, ठीक है। अब आपका आएगा गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉयड हुआ, मैंने टीसी बोला, तो यहाँ पे जाके लिखने का बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय फायर कितना गुड्स को डिस्ट्रॉयड हुआ फायर से, तो 5,000, क्लियर। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, तो यहाँ पे, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो मुझे इंश्योरेंस का क्लेम मिला है 2,000, तो मैंने यहाँ पे 2,000 लिख दिया, क्लियर। अब मेरा नुकसान कितना हो गया 3,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 लॉस बाय फायर, कितने का नुकसान हुआ मेरा इसमें से 3,000 का नुकसान हुआ, लॉस बाय फायर 3,000, क्लियर, ओके। तो मेरी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है, अब मुझे क्या करना है, टोटलिंग करना है, ठीक है। मैंने सबका सब क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया, फिर मैंने एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट के सारे इफेक्ट मैंने कर लिए, अब मुझे क्या करना है, टोटल करना है। तो सबसे पहले टोटल किसकी होगी, ट्रेडिंग अकाउंट की, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट का पहला टोटल कर रहा हूँ, देखो इसकी टोटल, और इसका अगर मैंने ठीक से देखा तो मुझे लगता है क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड आपकी आ रही है 1,500,000, 1,500,000, सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,500,000, क्लियर 1,500,000। और फिर इसमें से ये सारे जो चीजें वो माइनस करेंगे, ये सारे अमाउंट की पहला टोटल करके लेने का, और ये 1,500,000 में से ये अमाउंट माइनस करने का, तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 38,100, कितना आ रहा है 38,100, बराबर है। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो इसको बोलते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 38,100। फिर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल करनी है, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल कर रहा हूँ, बराबर ना। फिर से एक बार अगर मैं ठीक से यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है, तो 38,100 मैंने कर दिया, 38,100 मैंने कर दिया। फिर मुझे अभी इसको सबको माइनस करना है, जब मैं ये सबको माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 6,000, कितना आ रहा है 6,000, ठीक है। ओहो, एक मैंने ये नहीं किया एडजस्टमेंट, ये इंश्योरेंस वाला, वो मैं अभी तुरंत दिखा देता हूँ आपको, वर्किंग, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है तो ध्यान में रखना, बरेगी नहीं, ये आउटस्टैंडिंग
इंश्योरेंस प्रीमियम है हमने 9 मंथ्स का भरा है, 3 महीने का बाकी है क्योंकि वहां पे 9 मंथ्स लिखे हुए। तो पहले क्या करने का, 9,000 हमने भरा है, कितने महीने का, 9,000 मतलब 1,000 हो गया, 1,000 पर मंथ, बराबर है। अब पूरे साल के मंथ्स कितने होते हैं, तो पूरे साल के मंथ्स होते हैं 12, बराबर है। अगर मैंने 9 महीने का भरा है, 9 मंथ्स का भरा है, तो 3 महीने का नहीं भरा, तो इसका मतलब 1,000 × 3 मतलब मैंने 3,000 नहीं भरे, बराबर कि नहीं, तो भरने हैं मुझे 3,000। तो मैं यहां पे लिखूंगा एड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, तो ये मेरे आउटर कॉलम में जाएंगे 12,000, और उसका इफेक्ट जो है वो यहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, बराबर है 3,000, क्लियर, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको टोटल करना है 6,000। ये 6,000 जो मेरा आया है वो क्या है, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अभी ये नेट प्रॉफिट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो यहां पे आऊंगा, फिर मैं यहां पे लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अभी उनका रेशियो कितना है, 2:1, अभी 2:1 में उसको डिवाइड करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था 2:1 में डिवाइड करना, 6,000 को अगर मैं 2:1 में डिवाइड करता हूं तो कितना आते, 4,000 और 2,000, बराबर है। कैसे आएंगे इसके लिए मैंने आपको दिखाया था, बराबर ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, बराबर है। तो पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, श्रेयस के कितना प्रॉफिट 6,000 है, 6,000 × 2/3, बराबर ना, तो ये आपका आएगा 4,000। और उसके बाद कौन है, श्रेयस हो गया, उसके बाद आपका है मृणाल, बराबर कि नहीं, तो मृणाल का कितना है 6,000 × 1/3, तो ये आपका आएगा 2,000, क्लियर। अब मैंने यहां पे लिख दिया 4,000 और 2,000, फिर इसकी टोटल करनी है आपको, ठीक है। अब 35 + 4 = 39,000 और 22,000, फिर यहां पे आना है आपको, यहां पे लिखना है, बराबर है, कितना लिखना है 39,000 और 22,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, 39,000 और 22,000। अब इसको जाके वहां पे पार्टनर जो लाइबिलिटी है वहां पे लिखना है 39,000 और 22,000, क्लियर, ओके। तो अब इसकी टोटल करो, 3011 × 3/5 = 61,000। अब आपको लाइबिलिटी साइड की टोटल करनी है और फिर असेट साइड की टोटल करनी है, ठीक है, पूरा लाइबिलिटी साइड का टोटल करना है और फिर पूरा असेट साइड का टोटल करना है। ये दोनों क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये 1,22,600 आता है, मैंने टोटल करके देखा है, तो 1,22,600, इस तरह ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है। ये इस तरह अपने को फाइनल अकाउंट सॉल्व करना पड़ता है, आप प्रैक्टिस करो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सारे एडजस्टमेंट ठीक से समझोगे, तो फाइनल अकाउंट बहुत इजी है, ओके।